नमस्कार दोस्तों, पूजा फूड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं न कई सारा अनाज मिला करके आटा पिसवाऊंगी, और मैं क्या क्या मिलाती हूँ और कैसे मिलाती हूँ आप लोग वीडियो में बने रहिए। और मैं यहाँ पर्सनली बात कर लेती हूँ जौ का। अगर आप जौ मिला करके अपने आटा में खाते हैं या जौ का कोई भी आइटम दोस्तों आप खाते हैं, तो जौ को छिलका कितना आसानी से निकालें और क्यों निकालना चाहिए ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं सारे अनाज को ले ली हूँ। तो ये ज्वारी है, बाजरी है, नाचनी जिसको मरुआ भी बोलते हैं बिहार में, यूपी में, और जौ है, चना है, सोयाबीन का दाल है, और ये गेहूं है। ये सात तरह का अनाज है दोस्तों। मैं सातों तरह का अनाज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे साफ़ करना है। और ये जौ में से ना हम पहले ही कंकर को चुन लेंगे, नहीं तो बाद में क्या हो जाएगा ना, ये कंकर छोटा छोटा टुकड़ा में हो जाएगा, फिर आटा हमारा किन-किन हो जाएगा, तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो यहीं पर क्या करेंगे दोस्तों कि मैं झरना ले लेती हूँ। अगर आपको सूप चलाने आता है तो सूप से भी आप साफ़ कर सकते हैं। तो हमको तो सूप भी चलाने आता है, झरना भी, दोनों आता है दोस्तों। तो मैं इसको मोटा मोटा जितना अनाज है ना, मैं झरना से साफ़ कर लेती हूँ। बाजार का मार्केट का अनाज है तो कहीं सीसा, कंकर या लोहा का टुकड़ा या छोटा छोटा मोटा मोटा कंकर भी रहता है, तो इससे क्या होता है ना कि हमारा जो आटा हो ना किन-किन होता है, किच-किच हो जाता है, जिसके कारण रोटी खाने में मज़ा नहीं आता है। तो हम यहाँ पर सारे अनाज को साफ़ कर लेते हैं। अगर आपके यहाँ धूप है तो आप गेहूँ को पानी में धो लीजिए अच्छे से, साफ़ तरीका से। मुंबई में तो बहुत अच्छा धूप है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर्सनल छत नहीं होने के कारण हमको धूप नहीं मिलता है। तो मैं ऐसे ही गेहूँ को साफ़ कर दूँगी। और जो ये नाचनी है ना मरुआ, इसको अगर आप झरना से झाड़िएगा ना तो सारा गिर जाएगा, तो इसको हम सूप से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा दाना का होता है, सरसों के दाना जितना होता है। तो इसको यहाँ पर नाचनी बोलते हैं और हमारे तरफ इसको मरुआ भी बोलते हैं। और यहीं पर है ये बाजरा, इसको बोलते हैं। और जवारी को हम लोग गांव में मसूरिया बोलते हैं। एक लाल कलर का मसूरिया होता है, एक वाइट कलर का मसूरिया होता है। तो यहाँ पर वाइट कलर का मसूरिया मिलता है मुंबई में, जिसको यहाँ पर लोग जवारी बोलता है। बाजरा को भी हमने साफ़ कर लिए। अब आती है बारी दोस्तों ये जौ की। जौ को हम लोग गांव में इसको ओखली मुसरी जो होता है ना लकड़ी का, उसमें हम लोग इसको कूट देते थे तो इसका छिलका आराम से निकल जाता था, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और धूप में सुखा देते थे। लेकिन शहर में दोस्तों ओखली मुसरी कहाँ है, तो यहाँ पर हम इसका छिलका उतारने के लिए मिक्सर का प्रयोग करेंगे। मिक्सर ले लेंगे और मिक्सर में थोड़ा थोड़ा जौ को हम डाल देंगे। और हम जौ को पानी में नहीं भिंगाए हैं दोस्तों, याद रखिएगा, नहीं तो जौ क्या हो जाएगा कि गीला हो जाएगा, फिर सुखाना पड़ जाएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ले करके इसको मिक्सर चला लेते हैं। और जौ हार्ड होता है, आप चिंता नहीं करें, वो पिसाएगा नहीं, सिर्फ छिलका उतार देगा। तो इस तरीक़े से आप जौ का छिलका आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे आप जौ का दलिया खाना पसंद करते हैं, जौ का सत्तू खाना पसंद करते हैं, जौ का रोटी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, प्योर जौ का अगर रोटी खाइएगा ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। और चाहे आप मतलब अनाज में मिला कर के भी इसको पिसवा सकते हैं। तो मैं सारे जौ को ऐसे ही छिलका उतार लेती हूँ मिक्सर चला चला करके। बहुत ही आसानी है दोस्तों। हमारे जो भी भाई बहन अगर जौ का कोई भी आइटम खाते हैं, क्योंकि अभी का डेट में ना हर कोई ना गेहूँ में ना जौ मिला के खाना मतलब स्टार्ट कर दिया है, कि कोई कोई तो बहुत पहले से खाता है, कोई कोई अभी खा रहा है। तो इस तरीके से आप जौ आसानी से निकाल लेंगे छिलका, तो आपका मुंह में रोटी जो है चुभेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको छिलका जो दरदरा हो गया ना, तो ये ना झरना से नहीं निकलेगा, इसके लिए ना आपको सूप यूज करना ही पड़ेगा। तो सूप आपके पास अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो आप मार्केट से खरीद लीजिए। और इसको केवल ना जिसको सूप चलाने आता है उसके लिए तो बहुत ही ईजी है, वो निकाल लेगा, लेकिन जिसको सूप चलाने नहीं आता है वो खाली ऊपर नीचे करेगा ना तो भी वो निकल जाएगा, क्योंकि जौ का जो भूसी होता है ना बहुत ही हल्का होता है, थोड़ा देर में ही वो निकल जाता है। उसमें ज़्यादा टेक्निक की ज़रूरत नहीं है कि अरे हम मुझे तो सूप चलाने नहीं आता तो हमसे नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालाँकि दोस्तों मुझे सूप चलाने आता है तो मैं निकाल रही हूँ, और नहीं आता तो भी दोनों हाथ से ऐसे पकड़ पकड़ के फटकारते रहिए, देखिए निकल जाएगा, खुद ही निकल जाएगा। तो ये जो चोकर है ना, मैं एक बार गलती से ना पिसवा दी थी,
मुझे तो आता है निकालने, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आया कि जौ को हमें खोइया निकाल लेना चाहिए। तो इतना रोटी चुभ रहा था ना, मुंह में एकदम छिला गया, मेरा मुंह गर्दन भी छिला गया, पेट में भी जाके चुभ रहा था। तो इसलिए प्लीज़ जो कोई भी जौ का अगर आइटम खा रहा है ना, इस तरीके से छिलका निकाल के ही खाए, नहीं तो मन नहीं करेगा फिर खाने का। जौ का रोटी दोस्तों इतना टेस्टी लगता है ना, केवल जौ का रोटी आप बना कर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। हम खाए हुए हैं, अभी तो मैं मिला रही हूँ इसमें। और पर्सनली मैं मरुआ का भी रोटी अच्छा लगता है एक एक करके, लेकिन आप एक ही साथ सब मिला दीजिएगा ना, तो घर में जितने छोटे बच्चे होंगे ना, उनको पता नहीं चलेगा और वो खाएंगे आराम से। ऐसे एक एक बना के देने में क्या पता खाएंगे कि नहीं खाएंगे, तो आप रोज़ के खाना में ऐसे आपका सारा अनाज चला जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है ना कि हाँ नहीं अभी तो और मतलब जौ में छिलका है, तो इस तरीका से हिला दीजिएगा सूप को, तो ऊपर ऊपर आ जाएगा। और हल्के हाथों से उठा करके इसको फिर से मिक्सर में इसको मतलब उसका छिलका उतार सकते हैं। देखिए मैं दोबारा इसको ले करके जो ऊपर ऊपर का था, मैं फिर से इसका छिलका उतार रही हूँ, क्योंकि एक बार में नहीं निकला तो कोई बात नहीं, रह जाता है। तो फिर से हम इसको एक बार और कर लेते हैं, तो इसको भी हम फटकार लेते हैं, मतलब इसको भी हम फटक लेते हैं। बहुत आसान है ये निकालना, देखिए कैसा निकला इसका छिलका। इसको फेंक दीजिए, कहीं साफ सुथरा जगह पर रख दीजिए, जानवर लोग खा जाएंगे, नहीं तो आपके नज़दीक में गाय बकरी वगैरह है तो उसको दे दीजिए, वो लोग खा जाएगा। और यहीं पर हम गेहूँ भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि हम गेहूँ साफ़ नहीं किए थे, गेहूँ में कहीं शीशा कंकर पत्थर या कुछ भी हो सकता है, तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। वैसे तो गेहूँ ये बहुत अच्छा साफ़ है, फिर भी मैं चेक करती हूँ क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा है, तो एक बार इसको मैं चेक कर लेती हूँ और झाड़ भी देती हूँ, जो भी गर्दा होगा नीचे निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम सारे गेहूँ को यहाँ पे झाड़ लिए हैं, अब हम ना सारे ना अनाज को इसमें मिला देंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर ना 70% गेहूँ रख रहे हैं और 30% मैं सारे अनाज को मिलाऊंगी, ताकि इससे थोड़ा सा फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों को खाने में, बच्चे भी इजली खा लेंगे और उनको भी मज़ा आएगा, पेट भरा भरा रहेगा। तो इसीलिए हम गेहूँ में 70 और 30 का रेशियो रख के हम इसको पिसवा लेते हैं। इसमें है जौ है, चना है, सोयाबीन का दाल है, ज्वारी है, बाजरी है, नाचनी है और गेहूं है, मतलब 7 तरीका का अनाज है दोस्तों। और इसमें ना आप पिसवा रहे हैं ना, तो मैं एक बात कहूंगी कि अगर आप पिसवा रहे हैं तो इसको हफ्ता दिन में ख़त्म, मतलब 7 से 8 दिन में आप इसको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि जौ जो होता है ना उसमें जल्दी कीड़ा लग जाता है। तो अगर आप जौ मिला रहे हैं ना तो 7 से 8 दिन में ख़त्म कर दीजिए, अगर आप जौ नहीं मिला रहे हैं, बाकी और अनाज मिला रहे हैं, तो आप उसको 15 दिन तक खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि हाँ हमको इतना दिन का है, तो हमें उस हिसाब से पिसवाइए और खाइए। तो हम यहाँ पर सारे बना लिए हैं, लेकिन मैं इसको 2 शिफ्ट में पिसवाऊंगी दोस्तों, क्योंकि ये बहुत हो जाएगा, 15 दिन का हो जाए है। और ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप जौ मिला रहे हैं अपने आटा में, तो मैं जौ जैसा आप लोग को निकाल के दिखाई हूँ, वो सब चोकर निकाल दीजिए, नहीं तो आटा आपका इतना ना खाने के समय में रोटी मुंह में चुभेगा, गर्दन में चुभेगा, पेट में भी जाकर चुभता है। गलती से मैं एक बार ऐसा कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि आप लोग ऐसा नहीं करिएगा। और क्योंकि गांव के लोग के पास ओखली मूसर रहता है तो लोग कूट लेता है, लेकिन शहर में ओखली मूसर नहीं है, तो हमारे पास मिक्सर है, हम मिक्सर से उसको ईजिली उसको हम जो भी चोकर है उसका छिलका निकाल के उसको सूप से फटक कर और साफ करके इस तरीके से आप आटा को गेहूं को रेडी करिए और खुद से पिसवा कर खाइए। तो चलिए दोस्तों फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगी कुछ और नया लेकर के। अगले वीडियो में इसका आटा बना कर दिखाऊंगी। तो ये आटा पिसा के आएगा ना, तो मैं आप लोग को रोटी बना के जरूर दिखाऊंगी कितना अच्छा रोटी होता है, और भूख भी पेट भरा भरा सा रहता है खाने के बाद। तो दोस्तों आप लोग से मिलती हूँ एक अलग वीडियो में अलग चीज़ लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।